तो भाई लोग ये एपिसोड उन लोगों को काफी अच्छा लगने वाला जो लोग खाना बनाते देखना और खाना खाना काफी पसंद है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो इस सीरीज का नाम है डिलीशियस इन डंजन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लायोस नाम के आदमी को जमीन में पड़ा हुआ दिखा जाता है और भाई इसके पेट से भूख लगने की आवाज आ रही होती है। तभी एक लड़की आती है लायोस का नाम लेते लेते। वो लायोस से कहती है शायद हम जादू की वजह से डंजन से निकल पाए हैं। तो वो लड़की बोलती है फालिन कहीं दिख नहीं रही। तो लायोस बताता है कि फालिन को तो रेड ड्रैगन निकल गया है। वैसे फालिन लायोस की छोटी बहन है। लायोस उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी फालिन बहन को बचाने। तभी उनकी टीम का लड़का आता है जिसका नाम चीचक है। चीचक दोनों से बताता है कि उनकी टीम के दो लोग टीम छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उनको उनसे ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा था। तभी लायोस सोचता है कि डंजन में जाने के लिए पैसों की जरूरत है तो मैं अपने कवच और हथियार बेच दूंगा जिससे पैसे मिल जाएंगे और सस्ता हथियार भी। तो चीचक बोलता है ऐसा करना भी नहीं। तभी लड़की के पेट से भूख लगने की आवाज आती है तो तीनों लोग खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। लड़की बोलती है कि हम भूख लगने की वजह से ड्रैगन से जीत नहीं पाए और हार गए। तभी लायोस दोनों से बोलता है कि हमें डंजन में वापस जाना होगा। लायोस दोनों को यही बोलता है कि तुम दोनों टीम छोड़ दो और मैं तुम लोगों का सामान बेच कर मैं अकेले डंजन में चला जाऊंगा। तभी लड़की बोलती मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ डंजन में क्योंकि तुम जानते हो मेरा जादू कितना शक्तिशाली है। और तभी चीचक ही बोलता है मैं भी चलूंगा। चीचक बोलता मेरे होने से तुम्हें बंद तालों और जालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी तीनों डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तो लायोस बोलता है खाना खाने के जो भी चाहिए वो हम इस डंजन में ही ढूंढेंगे और हम डंजन के मॉन्स्टर को खाएंगे। तभी लायोस लड़की से बताता है कि पिछले डंजन में मॉन्स्टर कितने लजीज दिख रहे थे। वैसे अपने लायोस को मॉन्स्टर देखकर लार टपकने लगती क्योंकि उनसे खाना काफी अच्छा बनता है। भाई लोग अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो शायद आपको अच्छी लगी थी, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। तभी लड़की बोलती नहीं नहीं हम मॉन्स्टर नहीं खाएंगे। तभी अचानक से कुछ लोग भाग रहे होते हैं जिनके पीछे एक मशरूम वाला क्यूट मॉन्स्टर पड़ा होता है। तभी अपनी छड़ी लड़की मशरूम मॉन्स्टर को मार देती है। तभी लायोस बोलता है ये रात के खाने का तो इंतजाम हो गया और उसे उठा लेता है। वैसे भाई लायोस बहुत बड़ा चटोरा है। तभी लायोस को बिच्छू वाले मॉन्स्टर की आवाज आती है तो सोचता है हम बिच्छू भी खाएंगे। तभी वो बिच्छू को ढूंढने निकल जाता है। तभी लायोस अपनी तलवार में कपड़ा लगाता है और बिच्छू को पकड़ लेता है। तभी चीचक लायोस से बोलता है लगता है बस तुम यहाँ मॉन्स्टर ही खाने आए हो। तो लायोस बोलता तुम्हें चाहे जो भी लगे मैं बस अपनी बहन को बचाने आया हूँ। तभी तीनों लोग मॉन्स्टर पकाने के लिए इंतजाम करने लगते हैं। फिर तभी वो लोग बिच्छू को उबालने लगते हैं और लायोस उस बिच्छू का थोड़ा टेस्ट कर लेता है लेकिन टेस्ट करने से लायोस को उल्टी आ जाती है और उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तभी तीनों के पास एक मुच्छर अंकल आते हैं बिच्छू को बनाने का तरीका बताने के लगते हैं। तभी लड़की के सर में स्लाइम आकर चिपक जाता है तो मुच्छर अंकल उस लड़की को उस स्लाइम से बचा लेते हैं और उस स्लाइम को भी पकाने लगते हैं। भाई ये चारों इतने चटोरे हैं कि क्या ही बताएं, ये बस खाने के बारे में सोचते हैं। फिर तभी खाना पककर तैयार हो जाता है। वैसे खाना देखने में टेस्टी तो लग रहा है। तभी मुच्छर अंकल लायोस और चीचक मॉन्स्टर वाला खाना खाने लगते हैं लेकिन लड़की नहीं खा रही थी। तभी लड़की से भूख सही नहीं जाती और वो भी खाने लगती है और बाद में बोलती है बहुत ज्यादा टेस्टी और सब चेक कर जाती है। तभी लायोस और मुच्छर अंकल के बीच पुरानी बातें होने लगती है वही पालिन के बारे में। तो मुच्छर अंकल बोलते हैं मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहूंगा। मुच्छर अंकल मॉन्स्टर पकाने के इतना शौकीन थे कि वो सोच रहे थे मैं इनकी टीम में शामिल होकर रेड ड्रैगन को पकाने का सबसे बड़ा सपना पूरा करूंगा। तभी चारों लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग डंजन की दूसरी मंजिल में पहुंच जाते हैं जो कि काफी सुंदर जगह लग रही थी। तभी तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें भूख लगती है तो लायोस बोलता है चलो मॉन्स्टर मार के पकाएं। तभी लायोस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है कि यहाँ चमगादड़ बिच्छू काफी अच्छे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। लड़की तो ये बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है क्योंकि उसे मॉन्स्टर नहीं खाना था। तभी वो लोग मैन ईटिंग प्लांट का शिकार करने लगते हैं लेकिन लड़की मैन ईटिंग प्लांट के जाल में फंस जाती है। तभी लायोस मैन ईटिंग प्लांट को मार देता है और लड़की को बचा लेता है। फिर सभी लोग प्लांट से फल तोड़ने लगते हैं और जाकर पकाने लगते हैं और ये लोग इतना प्यारा खाना पकाते हैं कि भाई क्या ही बताएं। वैसे सभी लोग खाना पकने के बाद खाना खाने लगते हैं यानी कि मॉन्स्टर वाला खाना। वैसे लड़की हर बार की तरह मना करती है लेकिन ना करते खा ही लेती क्योंकि उसे भूख जो लग रही थी। और खाते खाते ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आगे ये देखेंगे ये लोग कौन कौन से मॉन्स्टर मार के खाते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।